मेल्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है मैम कि कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? जैसे मैंने ये कंटेनर लिया है कांच का छोटा सा, इसमें अभी हम बनाएंगे, तो इसके हिसाब से आपको लेना है। और इसमें मैंने अभी थोड़े से पर्ल डाले हुए हैं, यू कैन सी दिस, सो इसके हिसाब से हम करेंगे। और एक बात, जो जेल वैक्स है वो आप जब भी गर्म करो उसको छोड़ मत देना, क्योंकि उसमें से ये स्मोक निकलेगा ही, अगर आप इसको छोड़ के चले गए तो ये पूरा फ्लेम भी पकड़ सकता है। सो इसको आप बहुत ही संभाल के यूज़ करिए, जब भी यूज़ करिए। और बैग्स में दो तरह के कलर यूज़ होते हैं, एक तो ये क्रेयॉन कलर है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा एक ये पाउडर फॉर्म में भी आता है कलर, वो भी यूज़ करते हैं। और जेल कैंडल के कलर आपको अलग से भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये जेल वैक्स है, पैराफिन वैक्स है, ये कैंडल के लिए वीक है, वो सारा सामान आपको माचिस वाला में से मिल जाएगा, माचिस वाला एट सीजी रोड एंड जो सिटी में है, दोनों में से आपको मिल जाएगा। तो आप मतलब आप घर पे ही इजीली बना सकते हैं? आई कैन सी मैनी बहुत सारे घरों में कैंडल्स, अरोमा कैंडल बहुत यूज करते हैं, उसको जला के रखते हैं, बट इट्स नाइस अरोमा इन द हाउस। तो अब हम कौन सा कलर इसमें ऐड करने वाले मैम? जैसे कि ये वायोलेट कलर है, मैंने इसको थोड़ा सा, ये पाउडर फॉर्म है, और बहुत ही लिटिल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है बिल्कुल भी, तो इसको हम इसमें डालेंगे। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती कि इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। Yes, मैं बता सकती हूँ कि लवली वो है पर्पल कलर, एकदम जैसे पानी में आपने पर्पल कलर मिक्स कर दिया हो, बैग्स बिल्कुल ऐसे डिजॉल्व हो चुकी है, इट्स लाइक वॉटरी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल एकदम वॉटरी हो गया है। यस, अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है, इसको बहुत ज्यादा गरम गरम नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक होने देना है, उसके बाद हम करेंगे। और तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक मैं आपको पैराफिन वैक्स का बता देती हूँ। जैसे कि ये मोल्ड है, एल्यूमिनियम का है, कैंडल के लिए एल्यूमिनियम मोल्ड ज़्यादा बेटर रहेंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे जो तीन दरवाजा है सिटी में, वहाँ पे सिल्वर एल्यूमिनियम शॉप है, वहाँ पे आपको ये स्क्वायर राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने ऐसे विक है जो स्टैंड वाली भी आती है, और आपको अगर खुद बनानी है तो आप ये कॉटन थ्रेड से खुद भी बना सकते हैं, लेकिन रेडी मिलती है वो, तो माचिस वाले में से भी आपको मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको डालना है, और फिर जैसे कि ये एकदम से ठीक रहे, बीच में वीक रहे, वो आपको खास उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है जिसके अंदर होल है, मैं ये रेगुलर यूज करती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप टूथपिक भी ले सकते हैं, तो टूथपिक बीच में डाल के उसको फिक्स कर दीजिए ताकि वो हिले नहीं ज़्यादा, उसके हिसाब से, ठीक है। यस, क्योंकि बैग्स का वाटर बहुत वाटरी लेवल कंसिस्टेंसी तो वाटरी है, और आपका जो नीचे बीच में थ्रेड है वो कहीं पर भी मूव हो सकता है, और यू डोंट वांट कि आपके बहुत बैग्स की थ्रेड इधर उधर मूव करें। और इसको आप उसके बाद ही ये अच्छे से निकल पाएगा, और इसको ठंडा होने देना पड़ेगा लाइक 2-3 आवर्स तक, ये जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने देर में ये ठंडा होकर निकल जाएगा, खुद भी निकल जाएगा, उसको प्रॉपर ठंडा होने देना है और वो अपने आप निकल जाएगा। सो तेल से ग्रीस करके जब आप वैक्स को मेल्ट करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब आपको इसमें कलर ऐड करना है और एसेंशियल ऑयल, इफ़ यू वॉन्ट अरोमा कैंडल तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हमारा जो जेल कैंडल का हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है, तो अब हम वो पॉर करेंगे। इसमें इसमें मैंने पर्ल्स डाले हुए हैं, इसके अलावा आप शेल्स भी डाल सकते हो, या फिर कोई पेबल्स से अलग अलग कलर के, हाँ वो भी डाल सकते हो, आपको जो पसंद है, तो आप सारा कुछ इसमें डाल, पॉट पूरी भी आप डाल सकते हो। So easily, now you can see the color. अब आपको कलर दिख ही सकता है, इट्स लवली।